अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। ये जी ज़बरदस्त ओरियो डिज़र्ट की रेसिपी देने लगी हूँ आप लोगों को, जो बहुत जल्दी से बच्चे भी इसको बना लें। यंगस्टर्स तो बहुत ही क्विक, और ये बहुत मज़े का बनता है। बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आता है। इसमें कुछ भी नहीं, बहुत बहुत सिंपल और बहुत ईजी। बस करना सिर्फ ये है कि ओरियो का पूरा एक डब्बा मंगा लीजिएगा, जो 10 का पैक होता है, 30-30 का। ये टोटल 50 बिस्किट थे मेरे पास। ये इसकी क्रीम अलहदा कर लेनी, वो भी मैंने बच्चों को दे दी थी कि क्रीम आप लोग अलहदा कर दो, और मैंने बिस्किट जल्दी से ये अलहदा कर लिए, क्रीम अलग और 8-10 बिस्किट मैंने अलग कर लिए। बाकियों का मैं चूरा बनाने लगी हूँ। चूरा बना के थोड़े थोड़े टुकड़ों में करके, और फिर मैंने इसको बिल्कुल बारीक बारीक पीस लेना है। और जब तक ये पीसता है, हम बाकायदा रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने पीस लिया जनाब, पीस के और मैंने डिश में डाला। जो बड़े पीस है वो देखे, बड़े पीसेस को आपने अलहदा निकाल देना है। बेस में मैंने 4 टेबलस्पून डाला है बटर, बटर गर्म करके डाला है, और इसको सारे को चम्मच या स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लें, और मिक्स करके उसमें बिछा दें ट्रे में। और उसके बाद आपने करना ये है कि ये मैंने व्हिपिंग क्रीम ले ली है, ये थोड़ी सी मेरे पास फ्रीज़र में पहले पड़ी हुई थी, और बाकी की मैंने एक और पैकेट लेके, और ये किचन में चूँकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए मैंने ये किया कि एक बाउल में बर्फ़ और पानी डाल के, और उसके ऊपर शीशे का बाउल रखा, और ये ठंडी क्रीम, क्रीम ठंडी होनी चाहिए तभी अच्छी सी फ्लफी होगी। ये जैसे ये बीट हो गई, पीक बन गई, और इसमें अब मैंने डाल दिया है जनाब जो ओरियो की क्रीम थी ना, वो आपने ऐड कर देनी है। और अब जो ओरियो क्रश हुए हुए छोटे छोटे कुछ पीसेस हमारे पास रह गए थे ना, 8 बिस्किट्स के, वो मैंने डाले, एक तरफ रख दिया। दोबारा से मैं ये ट्रे आपके सामने ले आई हूँ डिश। अच्छा जी, अब ये क्रीम मैं इसके ऊपर स्प्रेड करने लगी हूँ, जो ओरियो की भी हमने बेस बनाई थी। ये ऐसे क्रीम को हम सारी को स्पैचुला की मदद से स्प्रेड कर देंगे। अगर अनइवन हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही कोई नहीं, वो सब कवर हो जाएगी। और उसके बाद ये मैंने जो आपको कहा था कि कुछ बिस्किट बचा लेने हैं, उन बिस्किट्स को सिंगल सिंगल मैंने किया, और इस तरह से मैंने इसको डेकोरेट कर लिया। ये एक और बच गया, तो सोचा ये भी कहीं एडजस्ट कर दूँ। और ये थोड़ा सा चूरा मैंने उसमें रख लिया था क्रश हुआ हुआ, यही मैंने डिज़र्ट के ऊपर दोबारा डाल दिया। और जनाब अब इसको ये मैं शीट लगा के, ट्रांसपेरेंट शीट, और फ्रिज में रखने जा रही हूँ। मैं ये दावत के लिए बन रहा है, तो शाम को मेहमान आएंगे फिर काटूँगी। मेहमान आ चुके जनाब, और ये सर्विंग के लिए तैयार है। ठंडी ठंडी बहुत ज़बरदस्त है, ये देखें बहुत मज़े की बनी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट है। अगर ये झटपट मीठा आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक जल्द अज़ जल्द पहुँचती रहें। इस रेसिपी का क्रेडिट जाता है मेरी बेटी अतूफा को, जिसने फुली मुझे सपोर्ट किया। और ये जो आपको 4-4 हाथ नज़र आ रहे थे, ये मेरे साथ मेरी बेटी के भी। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए दीजिए जनाब इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।